देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से पनीर काटा है, मैं अब देने जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, सब कैसे हो, सब अच्छे हो, सबको जय श्री श्याम। अंजलि हाउस वर्किंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा घर का सारा काम निबट चुका है, देखो धूप कितनी तेज आ गई है, घर का सारा काम निपट चुका है, बेटी भी स्कूल जा चुकी है। जो मेरी वीडियो आपने पहले देखी थी शुरू होती ही वीडियो, वो वीडियो मेरी कल की है, क्योंकि कल को मेरे बच्चों की बुआ आई थी, तो वो मेरे बेटे को वैष्णो देवी जाने वाले हैं, तो वो मेरे बेटे को भी लेके गई है, तो मैंने उसके कपड़े प्रेस कर दिए, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि वो तो चला गया है वैष्णो देवी अपनी बुआ के साथ, गुड़िया मेरी घर रह गई है, इसलिए अकेली स्कूल गई है। बस मैं अब खाना बनाऊंगी, फिर मैंने सुबह मशीन लगाई थी तो मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा आटा भी गेहूँ भी पिस के आ चुके हैं सारे, और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, बस अब मैं खाना। देखिए फ्रेंड, ये मेरे सारे कपड़े सूख चुके हैं, बस मैं अभी इन्हें तय लगाऊंगी और मैं आप लोगों को अपना आटा दिखा देती हूँ। देखिए मेरा आटा पिस के आ चुका है, बस अब मैं इसे कुइया में भरूँगी। अच्छा, मैं अब आपको किचन में मिलती हूँ। देखो फ्रेंड, मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये मैंने गैस पर कुकर रख दिया, उसमें रिफाइंड ऑयल गिर दिया है। ये इधर मैंने हरी मिर्चें काट कर रख ली हैं, इसमें मैं गिरूँगी पहले लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मुझे सूखा मसाला मिलाना है, इसके बाद धनिया पाउडर। आज मैं रसी की अरबी बना रही हूँ। ये हल्दी पाउडर मैंने अभी फिलहाल मसालदानी में निकाल नहीं रखा है, सब्ज़ी बनाने के बाद निकाल दूँगी। थोड़ी सी हींग लगा ली है, अब इसमें मैं नमक डाल लूँगी। ठीक है फिर, इधर इतने मेरा कुकर गर्म हो चुका है, इसमें मैंने अजवाइन गिर दी है, अजवाइन भुन गई है, तो जो मैंने सूखा मसाला मिला के रखा था फ्रेंड, वो डाल दूँगी। देखिए मैं अजवाइन अच्छी तरह ऊँची में निकाल के दिखा देती हूँ आपको। देखिए अब ये मैंने जो सूखा मसाला मिलाया था वो भी इसमें डाल दिया है, एक बार चला दूँगी अच्छी तरह जो मिल जाए। देखिए अब मैं अरबी दिखा देती हूँ आपको। ये कच्ची अरबी है, मैंने इन्हें पहले उबाला नहीं है फ्रेंड, ये कच्ची मैंने पहले हाथ पे सरसों का तेल लगा के अच्छी तरह धो के तब इस पर काटी है, क्योंकि खुजली नहीं होती है। और जब आप अरबी धोते हुए तो उसमें हल्का सा नमक डाल लीजिए। देखिए सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आया है, और मैंने कुकर बंद कर दिया है। इतने मेरी सब्ज़ी बनेगी, इतने मैं आटा लगा लेती हूँ। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि अरबी धोते पे हल्का सा नमक लगा लीजिए, क्योंकि जो अरबी में, जो हम अरबी छीलते हैं तो उसमें हल्की फुल्की मट्टी लगी रह जाती है, और नमक लगा के आप अरबी धोते हो ना तो बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं अरबियाँ। देखिए फ्रेंड, मैंने आटा लगा लिया है, अब मैं रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि गुड़िया आने वाली है, खाना से रोटियां सेक के रख दूँगी, कि फिर इसके पापा का, गुड़िया का और इस सबका खाना लगा दूँगी फिर, क्योंकि बेटा तो है नहीं, अपनी बुआ के गया हुआ है, तो बस हम तीन जने, इसलिए फटाफट से मैं रोटियां सेक लूँगी। और मैं आप लोगों से कह देती हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड, और बेल आइकन भी दबा देना। देखिए मैंने फटाफट करके रोटियां सेक ली, देखिए कैसी फुली फुली रोटियां बन रही हैं। इधर मैं खाना लगा दूँगी, गुड़िया आ चुकी दिखे हैं। देखिए फ्रेंड, मेरा भी खाना बन चुका है, मैंने सबका लगा दिया, बच्चों का लगा दिया है, बच्चों के पापा का लगा दिया है, बस मैंने अपना लगा लिया। चलो मैं खाना दिखाती हूँ और मैं खाना खाती हूँ। अच्छा देखिए फ्रेंड, खाना, मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय।